आप जाइए। साबेल, परेशान मत हो, कुछ घंटे आराम करेगा, अब सुबह ही जागेगा। रिलैक्स, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। बस आराम करो, तुम भी सुबह बात करेंगे। चले ना इनाम, चले चले। साइमा, एक कप चाय रावेल के लिए भी ले आओ। जागा तो नहीं? नहीं, अभी तक सो रहा है। रावेल, बहुत बुरी बात, तुमने अपने घर वालों के साथ अच्छा नहीं किया। तो फिर क्या करती भाभी? हसान को छोड़ देती, दूर हो जाती उनसे। मैंने ये नहीं कहा रावेल, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। उनका क्या कसूर है? उनका रिएक्शन तो बिल्कुल नेचुरल था। शादी से पहले उनको कुछ नहीं पता था। तुमसे प्यार करते, मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं इसीलिए जिद कर रही है। आखिरकार वो मान जाएंगे। राबेल, तुम्हारे घर वाले बहुत मासूम है। खुद को उनकी जगह रख के देखो। धोखा तो उनके साथ हुआ है ना भाभी? अगर ये धोखा है तो उन्हें ये धोखा आपने नहीं, मैंने दिया। मैं अम्मी के पांव पड़ जाऊंगी, उससे माफी मांग लूंगी। भाई तो राजी हो जाएंगे, लेकिन क्या? अभी हसाम को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें अपनी मोहब्बत से ठीक कर दूं। मैंने सुना है मोहब्बत में बहुत ताकत होती, मैं उसका असर देखना चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ राबेल, तुम ये भी कर लोगी। भाभी एक बात बताएं, हसान के साथ ये मसला कब से है? क्या पैदाइशी? नहीं, जब वो 13-14 साल का था तब से। मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज हुई थी। बहुत आइडियल कपल था, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। फिर अचानक मम्मी की डेथ हो गई और डैडी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया। मैं उस वक्त 15 साल का था, हसाम 9 साल का था। 4 साल तक मैंने डैडी और हसाम को संभाला। फिर दादा अबू ने ज़बरदस्ती डैडी की दूसरी शादी करा दी, उनके किसी दोस्त की बेटी थी। वो खातून ठीक नहीं थी, बदजबान थी, बदतमीज थी, जैसे लड़ने झगड़ने वाली औरतें होती उस तरह। पता नहीं उन्होंने डैडी के कान भरे, क्या हुआ क्या हुआ, उन्होंने मुझे बोर्डिंग भेज दिया। आसाम यहाँ उनके जुल्म का निशाना बनता रहा हर रोज। अच्छा, डैडी के सामने बहुत मीठी बनती थी, मगर पीछे बहरहाल एक दिन डैडी और दादा अब्बू जब ऑफिस में थे तो उससे एक छोटी सी गलती हो गई।